नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन 24। मैं प्रिया। बिहार में जारी सियासी संकट और राजद की ओर से जारी लगातार बयानबाजी पर बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने मोर्चा संभाल लिया है। सुशील मोदी ने बीजेपी के उन नेताओं पर निशाना साधा है जो लगातार राजद की ओर से बयान दे रहे हैं। सुशील मोदी ने कहा कि कुछ राजद के कुछ नेता वफादारी साबित करने में लगे हैं। सुशील मोदी की ओर से किए गए ट्वीट में कहा गया है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लालू प्रसाद की पार्टी अपने दर्जन भर MLA MLC को जदयू में जाने से नहीं रोक पाई, जिसके बाद 10 लाख लोगों को एक झटके में सरकारी नौकरी देने का अव्यवहारिक वादा कर नकार दिया गया। उन्होंने आगे कहा, गरीबों, मजदूरों, युवाओं, महिलाओं ने जिस पार्टी के अनुभवहीन वंशवादी नेतृत्व को विपक्ष में बैठने का जनादेश दिया, उसका कोई न कोई शख्स एनडीए के विधायक तोड़ने के नित नए बरबोले दावे पर अपनी लॉयल्टी साबित करने रहे हैं। इनमें कोई राजनीतिक सच्चाई नहीं। नीतीश ने सियासी संकट को नकार, इससे पहले सीएम नीतीश ने नए साल के पहले दिन मुख्य सचिवालय स्थित अपने कक्ष में दिन भर तीन विभागों को समीक्षा के बाद बाहर आए तो पत्रकारों पर सवाल जवाब देते हुए कहा कि राज्य में कोई सियासी संकट तो नहीं दिख रहा है, पर सीएम ने कहा कहीं कोई सियासी संकट नहीं है, हम जनता की सेवा करना अपना धर्म समझते हैं। आगे की खबरों के लिए बने रहिए नेशन 24 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।